3 करोड़ के घर में रहती है, एसयूवी गाड़ी का इस्तेमाल करती है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ वो व्यक्ति केवल स्ट्रीट फूड बेचकर कमा लेता है। कई बार पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, उसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो ठीक होता है। सही तरीके से प्लानिंग करें। किराए पर रहते थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि किराया भर सके और वो होमलेस हो गए। क्या आपके घर में रोजाना चाय बनती है ना, तो एक बिजनेस को लार्ज स्केल बनाया जा सकता है। बातों ही बातों में बहुत कुछ मुझे पता लगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। मेटास लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स वर्ल्ड क्लास हाइजीनिक स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन, वैनिटी एंड वार्डरोब, रस्ट फ्री, टर्माइट फ्री विद साउंडलेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एक बड़ा फेमस डायलॉग तो आपने सुना होगा कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग तो कई बार हीरो अपनी फिल्मों में भी बोलता है, और ये डायलॉग ना केवल फिल्मों में बल्कि रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने एक बिजनेस को स्मॉल स्केल लेवल पर शुरू किया और देखते ही देखते वो लार्ज स्केल बिजनेस बन गया। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस सिस्टमेटिक तरीके से बड़े हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल हो या मीडियम स्केल हो, अगर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, मतलब आप छोटे से बिजनेस में भी अच्छे से प्रॉफिट बना रहे हैं, और बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल है, उस बिजनेस को पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए कहीं बाहर नहीं आपको देखना पड़ता, उधार आपको लेना नहीं पड़ता, तो आसानी से वो बिजनेस स्केल अप किया जा सकता है। उस स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो भी बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, सेल्फ सस्टेनेबल होता है, उसको एक्सपेंडेबल बनाया जा सकता है। आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ छोटे छोटे बिजनेस देखते ही देखते कई गुना बड़े हो गए, और आपके सामने भी ऐसे अनेकों एग्जाम्पल होंगे। मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कम से कम 3-4 ऐसे एग्जांपल लिखो जिसको आपने छोटे स्केल पर देखने के बाद बड़े स्केल पर देखा और देखते ही देखते वो कंपनी लार्ज स्केल पहुंच गई। बहुत सारे आपने बिजनेस देखे हैं। स्ट्रीट फूड का जो एक बिजनेस है ना, वो एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक लोग छोटा मोटा बिजनेस समझते हैं, गरीबों का बिजनेस समझते हैं। जैसे छोले कुलचे हो गए, छोले नान हो गए, मटन चावल, इसके अलावा छोले कुलचे, कड़ी राजमा, राजमा चावल, मटन कुलचा, और छोले पूड़ी, पानी पूड़ी, जैन शिकंजी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो बिजनेस देखने में आपको लगता है अरे यार ये तो किसी गरीब का बिजनेस है, ये तो किसी बेचारे का बिजनेस है, पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर पाता होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, काफ़ी सारे रिसर्च हुए और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इन स्मॉल स्केल बिजनेस को जब स्टडी किया ना, तो पता लगा इनमें से ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। एक केस मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति की लॉकडाउन के समय पर जॉब छूट गई। किराए पर रहते थे, उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि किराया भर सकें और वो होमलेस हो गए। उसके बाद उस कपल ने राजमा चावल का बिजनेस शुरू किया ताकि वो अपनी एक छोटी सी अर्निंग कर सकें, और देखते ही देखते उनकी अर्निंग 1,60,000 रुपये पर मंथ तक पहुंच गई। वो कहता है कि शुक्र है मेरी जीवन में एक ऐसा समय आया कि लॉकडाउन हुआ और मैं बेघर हो गया, इतने पैसे तो मैं पूरी ज़िंदगी कभी जॉब में कमा ही नहीं सकता था जो मैं एक स्मॉल स्केल बिजनेस से कमा रहा हूँ। एक और हिंदुस्तान टाइम्स में एक सर्वे हुआ, उसने देखा कि गुड़गांव की एक महिला 3 करोड़ के घर में रहती है, एसयूवी गाड़ी का इस्तेमाल करती है, और रोड मतलब स्ट्रीट फूड सेलिंग का काम करती है, छोले कुलचे बेचती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, देखते ही देखते बिजनेस बड़ा हो जाता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। कुछ लोग तो अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग एक स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बनाकर खड़ा कर देते हैं। आज मैं बताता हूं आपको एक केस स्टडी जहां पर एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर को मैंने देखा, स्ट्रीट फूड का बिजनेस करता था। बातों ही बातों में बहुत कुछ मुझे पता लगा, मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल ये बेचता था, और उसके यहाँ एक बैनर लगा हुआ था, उस बैनर पे लिखा हुआ था 30 रुपये प्लेट, 50 रुपये प्लेट। तो जब मैंने देखा ना, मुझे लगा ये तो गरीब सा व्यक्ति है। मैंने पूछा, भाई साहब आप ये जो काम करते हैं इसमें कितना पैसा कमा लेते हैं? वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, कह रहे नहीं भाई साहब अपनी अर्निंग के बारे में नहीं बताऊँगा। फिर उसने कहा, सर आप तो डॉक्टर अमित माहेश्वरी है ना, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच? मैंने कहा हाँ, आपने कैसे पहचाना? कह रहा सर आपकी काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं। कह रहा सर मुझे ना इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना और बड़े लेवल पर लेकर जाना है, कुछ आइडियाज़ दो, कुछ टिप्स दो। मैंने कहा देखो, अगर डॉक्टर से बातें छुपाओगे ना तो कभी भी आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, कंसल्टेंट से बातें छुपाओगे तो आपको एक्सपेंशन का फार्मूला पता नहीं चलेगा। मैंने कहा सबसे पहले मुझे बताओ कि कितनी सेल आप करते हैं? तो उसने कहा सर हम राजमा चावल, कड़ी चावल और छोले चावल बेचते हैं, 30 रुपये हाफ प्लेट, 50 रुपये फुल प्लेट, दोनों सभी का यही रेट है हमारा। मैंने कहा कितनी सेल हो जाती है? उसने कहा राजमा चावल हम बेच लेते हैं जो हाफ प्लेट है वो 40, फुल प्लेट 60, ऐसे ये 30, 50, 30, 40 लगभग इतनी प्लेट हम सेल कर लेते हैं। 250 प्लेट पर डे मैं सेल कर लेता हूँ, और इस काम को करने के लिए ना मेरे पास कोई ज़्यादा लेबर नहीं है। एक मेरे पास छोटू है जो मुझे सपोर्ट करता है, मेरी वाइफ ये सारा खाना बनाती है, उसके बाद मैं इसको अपनी पर्सनल कार में रखता हूँ और जहाँ भी गाड़ी लगाता हूँ वहीं पर सेल होने लग जाती है, कॉलेजेस के बाहर, कोर्ट के बाहर, फिर ऑफिसेज के बाहर, मल्टीप्लेक्स के बाहर, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। कई बार पुलिस वाले भी परेशान करते हैं, उसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो ठीक होता है। तो ये प्लेट है, तो मैंने कहा यार ये जो प्लेट्स हैं आप 40 प्लेट बेच देते हैं, 60 प्लेट, 30 प्लेट, 50 प्लेट, 250 प्लेटें बेच देते हैं, तो ऑन एन एवरेज जो सेल आपकी आती है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, मतलब 30 रुपये के हिसाब से 40 प्लेट 1200 रुपये, 3900, 2500, 900, 2000, ऑन एवरेज 10,500 रुपये पर डे की आप सेल कर लेते हैं। अब आपको लगेगा सर आप 10-12 हज़ार रुपये पर डे की सेल की बात कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट ही कितना आने वाला है। आज मीडियम स्केल और लार्ज स्केल की जो शॉप्स या शोरूम्स हैं ना, वो भी लाखों रुपये की सेल कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। यहाँ पर उस व्यक्ति की पर डे की सेल 10,500 है। मैंने कहा यार कॉस्ट के बारे में भी बता दो, तो मुस्कुराने लगा कि कहीं सर को मेरे बिजनेस की लूप होल ना पता लग जाए। फिर भी उसने मेरे साथ शेयर किया, बताया कि सर ये जो मेरी कॉस्ट है ना, जो आपको मैं 40 रुपये की सेल कर रहा हूँ, एवरेज लगा लो 400-1200, ये लगभग मेरे को 4,000 रुपये पर डे की कॉस्ट आती है। 10,500 की सेल होती है पर डे और मुझे जो कॉस्ट आती है वो 4,000 रुपये पर डे आती है। ऑन एवरेज हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, वो लगभग 6,500 रुपये पर डे मैं कमा लेता हूँ। एक छोटू मैंने रखा हुआ है, उसको मैं 15,000 रुपये महीने देता हूँ, जबकि उसकी सैलरी वैसे कहीं 12,000 में लगी हुई थी, मैं उसको 15,000 रुपये देता हूँ। तो मैंने कैलकुलेट किया कि पर मंथ लगभग 7,500 प्लेट्स वो व्यक्ति सेल कर देता है। 3,15,000 रुपये पर मंथ की उसकी सेल है, 1,20,000 रुपये उसकी कॉस्ट आती है और 1,95,000 रुपये उसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े शॉप्स, बड़े बड़े शोरूम्स में भी ना एक बहुत बड़ी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी और मेंटेनेंस के खर्चे सब मिलाते हैं ना, तो उनके हाथ में कई बार कुछ नहीं बचता और कई बार तो लॉस भी हो जाता है। यहाँ पर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, उसकी वाइफ जो उसके साथ वर्किंग है, उसकी कार की मिनिमम मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट, प्लस एक वो छोटू जो 15,000 रुपये पर मंथ लेता है, लगभग 1,50,000 रुपये पर मंथ वो व्यक्ति केवल स्ट्रीट फूड बेचकर कमा लेता है। अब आपको लगेगा सर आप बिजनेस कोच होकर एक स्ट्रीट फूड के बिजनेस को कंपेयर करके बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप बिजनेस की स्ट्रेटेजी को ठीक से समझ जाएं और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हो, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, तो किसी भी बिजनेस को राइट माइंडसेट के साथ एक्सपेंडेबल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आप देखिए B2 टिक्की वाला क्या करते थे, टिक्की बेचते थे। आज पूरे इंडिया में BW इंडिया की बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं। उसके अलावा KFC क्या बेचते थे, बर्गर वगैरह बेचते थे। आज इस बिजनेस को सिस्टमेटिक करके एक लार्ज स्केल बिजनेस बनाकर खड़ा कर दिया। चाय सुट्टा बार, ये भी एक छोटा सा काम है, चाय की टपरी, ये भी एक छोटा सा काम है, लेकिन इन्होंने बिजनेस के सिस्टम को समझा, अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड को डेवलप किया, ब्रांड डेवलप किया और धीरे धीरे एक्सपेंशन करके करोड़ों रुपए की कंपनी बना दी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, वाजीवा चाप जो आप लोग लेते हैं, हल्दीराम भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। रेस्टोरेंट था, स्वीट शॉप था, है ना, बेकरी प्रोडक्ट वहाँ पर देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद चायोस एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कम से कम 5 एग्जाम्पल जिन्होंने एक बहुत छोटे से स्ट्रीट फूड के बिजनेस को एक लार्ज स्केल कंपनी के रूप में बनाकर खड़ा कर दिया। फाइन, अब जरूरत है वो क्या माइंडसेट है जिससे आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करें तो एक बिजनेस को लार्ज स्केल बनाया जा सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले सिस्टमेटिक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। आप अपने बिजनेस को एक सिस्टमेटिक कंपनी फॉर्मेशन के रूप में स्थापित करें, साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप देखिए, मैं एक बात विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि आपके घर में रोजाना चाय बनती है ना, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से आपके घर में चाय बनती आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बनने वाली जो चाय है ना, 15 दिन लगातार, उसका टेस्ट भी सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? गृहिणी या वो व्यक्ति चाय बना रहा है, वो चाय बनाने में तो एक्सपर्ट है, पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, जिसकी वजह से हर बार चाय का टेस्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ ज़रूरत है एक SOP डेवलप करने की। तो जो बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में, चाहे स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, SOP डेवलप करेगा, वो बिजनेस को सिस्टमेटिक बनाएगा और बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर लेकर जाएगा। उसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग। अब हर व्यक्ति का ना एक्सपेंशन का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। कोई कहता है मैं अपने ही बहुत सारे आउटलेट खोलूंगा, कोई कहता है मैं फ्रेंचाइजी दूंगा, कोई कहता है मैं डीलरशिप नेटवर्क बनाऊंगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क बनाता है, कोई कहता है कि मैं सुपर स्टॉकिस बनाऊंगा, मतलब अपने बिजनेस को बिजनेस चैनल पार्टनर के साथ बनाकर तेजी से डेवलप करूंगा। तो कैसे, वो कौन सा फार्मूला आप अपनाएंगे जिससे आप बिजनेस को एक्सपेंडेबल बना सकें। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए तो कम बजट में ज़्यादा विज्ञापन किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाई जा सकती है, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ना आप सेलिंग प्राइस बढ़ाकर अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते। तो आप ऐसा क्या करें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा कम आए। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस, वो प्रॉफिट होता है, वो हमेशा ज़्यादा होगा। उसके साथ बेस्ट हायरिंग स्ट्रेटजी क्या हो ताकि आपकी कंपनी में बेहतर एम्प्लॉयज़ हों, क्योंकि बेहतर एम्प्लॉय ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा और बिजनेस को एक्सपेंडेबल बनने में आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। उसके बाद कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का मैनेजमेंट, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इस सभी चीज़ों को सिखाने के लिए ना मैंने आपके लिए कोर्स डेवलप किया है अपने बिजनेस एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरी कंपनी है मेटास ओवरसीज लिमिटेड, जो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शोरूम और डीलरशिप शोरूम है। एक स्मॉल स्केल बिजनेस को मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी की स्थापना तक ले जाने के लिए मैंने जो कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। ROPE, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस के एक्सपेंशन की, बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट की, बिजनेस की ग्रोथ की, ब्रांड बिल्डिंग की और उन सभी विषयों की जो भी मैंने आपको बताया। इसीलिए तो कहते हैं कि रोप है तो होप है, रोप है तो होप है। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कब, कहाँ और किस शहर में होने जा रहा है उसकी जानकारी के लिए बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट तुरंत रिजर्व करें ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जा सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।